ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच इज वन। तो एटॉमिक नंबर सब में क्या वन है, तीनों को देखो, बट द मास नंबर इज वन टू एंड थ्री। तो मास नंबर पहले का क्या है वन, दूसरे का क्या है टू, तीसरे का क्या है थ्री। ठीक है, अब इस तरीके से क्या है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो कितनी अजीब बात है, इन्होंने ये बता तो दिया, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि मास नंबर कैसे चेंज होता है। तो लेकिन मैंने आपको बताया है कि मास नंबर क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, बट द मास नंबर इज वन टू एंड थ्री रेस्पेक्टिव। अदर सच एग्जाम्पल्स आर कार्बन सिक्स एंड कार्बन फोर्टीन। देखो सिक्स सेम है यानी प्रोटॉन सेम है, चार न्यूट्रल है तो यानी इलेक्ट्रॉन भी सेम है, रहेगा फिर ये कार्बन ही क्योंकि प्रोटॉन सेम है। फिर इसमें कितने न्यूट्रॉन थे, सिक्स, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, इधर कितने हो गए एट न्यूट्रॉन्स, तो सिक्स और एट फोर्टीन, तो ये कार्बन फोर्टीन हो गया और कार्बन ट्वेल्व हो गया, तो दो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स। तो ये किस चीज के आइसोटोप्स है, कार्बन के आइसोटोप्स। ये किसके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में भी दो आइसोटोप होते हैं। देखो इसका एक एटॉमिक नंबर 17, सिंबल Cl, तो एटॉमिक नंबर Cl का 17 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे हमारे 17, तभी ये Cl होगा। अगर 17 से 18 हो गए तो इसका ये फिर ये आर्गन बन जाएगा, 16 होंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर बन जाएगा, 16 होंगे तो सल्फर बन जाएगा और 18 होंगे तो आर्गन। तो लेकिन ये तो Cl है, तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर सबका फिक्स होता है, एटॉमिक नंबर सबका फिक्स होता है। जैसे ही इसका एटॉमिक नंबर 16 होगा तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर। जैसे ही 18 होगा ये क्या बन जाएगा, आर्गन। तो एटॉमिक नंबर तो कुछ भी करके चेंज नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, ये आर्गन बन जाएगा 18 पे। तो अब देखो ये रहेगा क्लोरीन, तो इसमें न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। इस वाले में देखो क्या है, 18 न्यूट्रॉन्स है, तो 17 प्लस 18 35, तो इसका मास नंबर कितना है 35। तो एक तो क्लोरीन 35 हो गया हमारा जिसमें 18 न्यूट्रॉन्स है, दूसरा देखो क्लोरीन 37 है, तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, 17 ही रहेंगे, ठीक है, मास नंबर भी इसका 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन के इक्वल होंगे, तभी तो चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अगर चार्ज होता है इसके ऊपर तो घट बढ़ सकते थे, लेकिन अभी तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। लेकिन न्यूट्रॉन देखो कितने हो चुके हैं, न्यूट्रॉन 20 हो चुके हैं, टोटल करो 17 और 20 37। तो हमारे पास दो क्लोरीन मिले, एक Cl 35 मिला और दूसरा कौन सा मिला हमें, Cl 37। तो दो क्लोरीन हमें मिल गए, इसमें कितने न्यूट्रॉन थे, इसमें 18 न्यूट्रॉन थे और इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 20। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन की वजह से ये इस टाइप का जो है हमें चीजें मिलती हैं कि आइसोटोप्स, कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास कैसा हो जाता है, डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसको आप नोट कर लो कि क्या डेफिनेशन है आइसोटोप की, आइसोटोप की डेफिनेशन समझ में आ गई कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आइसोटोप क्या है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं चेंज हो रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रह रही है, क्लोरीन क्लोरीन ही रह रही है, कार्बन कार्बन ही रह रहा है, ठीक है, सेम एलिमेंट। तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये आइसोटोप हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने थे, थ्री थे, वन प्रोटियम, टू ड्यूटेरियम, थ्री ट्राइटियम, ठीक है। कार्बन के कितने थे, दो, कार्बन 12, कार्बन 14, क्लोरीन के दो, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो इस टाइप से आइसोटोप। और अगेन आप ये कहोगे कि इसमें न्यूट्रॉन हम घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, ये कैसे है? नेचर ने बनाया है, ये नेचर ने बनाया है कि इस टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने इंसान ने किसी ने ऐसा नहीं करा कि उसमें
क्लोरीन पे एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रॉन डाल दिए, ऐसा नहीं होता। ये कैसे बनाया? नेचर ने बनाया है। ठीक है, अब देखो, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। तो कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है, उसमें दो टाइप के आइसोटोप होते हैं, वो एक सिंगल नहीं होता। जैसे कार्बन 12 है, तो ऐसा नहीं है केवल कार्बन 12 होगा, उसमें कुछ कार्बन 12 होगा, कुछ कार्बन 14 होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ कार्बन 12 होगा, कुछ कार्बन 14 होगा। हालांकि कार्बन 12 हमेशा ज्यादा होता है और कार्बन 14 बहुत बहुत कम होता है, ये रेयर है, ये रेयर है, कम मिलता है, बट मिलता है नेचर, ये कम मिलता है। कार्बन 12 मेनली मिलता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का वन वाली हाइड्रोजन जो है 1H1, 1H2 और 1H3, तो ये तीन टाइप की हाइड्रोजन थी, तो ये सबसे ज्यादा मिलती है, ये उससे कम, ये उससे कम मिलती है और ये उससे भी कम मिलती है। तो इस तरीके से ये वाली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, इसी तरीके से कार्बन 12 बहुत ज्यादा है, कार्बन 14 कम है लेकिन मिलती है नेचर में, कम है लेकिन मिलती है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो अगर केवल एक ही टाइप का आइसोटोप है तो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। लेकिन हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर, हमें मिक्सचर मिलते हैं। अगर केवल कार्बन 12 होता तो प्योर एलिमेंट होता, कार्बन 14 होता तो प्योर एलिमेंट होता, बट हमें क्या मिलता है, मिक्सचर हमेशा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उसकी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट। तो आइसोटोप की ये लिख लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर उस पर सेम है, और प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या पार्टिसिपेट लेता है, रिएक्शंस किसकी वजह से होती है, केमिकल रिएक्शंस इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं, और इलेक्ट्रॉन के ही इधर एक जगह से दूसरी जगह जाना आना या शेयर करना ही केमिकल रिएक्शंस की मेन वजह है। और वजह भी हो सकती है लेकिन मेन वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स ही है, सिक्स ही रहेंगे, चाहे कार्बन 12 हो, इस पे भी सिक्स है, इस पे भी सिक्स है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन क्या चीज चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, मास, मास फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। अब देखो, क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, मासेस 35U और 37U, अब हमने देख चुके हैं। और इनका रेशो क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन 35 और 37 का इनका रेशो क्या है, 3:1। तो यानी 35 वाली जो नेचुरली जो क्लोरीन हमने देखी है वो ज्यादा होती है, वो 3 है, और 37U कम है, तो 3:1 है। यानी अगर तीन एटम हमें मिलेंगे क्लोरीन 35 के, ठीक है, 35 Cl, ठीक है, तब हमें एक एटम किसका मिल जाएगा, इसका 37 वाली क्लोरीन का। तो देखो, मैंने अभी बताया था ना कि जो नॉर्मल वाले होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, तो ये कम होते हैं। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो इस वजह से हमें क्लोरीन का मास क्या लेना चाहिए। तो देखो, क्लोरीन के इस वाले के कितने मिलते हैं हमें, 3, इस वाले का कितने मिलते हैं, 1, ठीक है। तो क्लोरीन का मास अभी तक हम 35 कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अगर आपको टेबल याद हो तो टेबल में 35 ना लिख के 35.5 लिखा था, टेबल याद हो, ठीक है, टेबल में कितना लिखा था, 35.5U। तो अब हम देखते हैं कि 35.5 क्यों आता है, 35.5U क्यों आता है, और उसका रीजन ये है कि ये अकेला सब्सटेंस नहीं होता। अकेला कैसे होता है, अगर क्लोरीन 35 होती है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर है, क्लोरीन 37 भी है इसमें, तो 37 वाले का मास 37U है, इसका मास 35U है। तो देखो, 35U तुम सीधे सीधे नहीं ले सकते, हम 37 भी सीधे सीधे नहीं ले सकते, अब हमें इसका मास निकालना पड़ेगा कि कितना मास है।